नमस्कार, मैं हूं शेफ निखिल। आजकल बस एक ही सुपरमार्केट विजिट में पूरा फ्रिज भर जाता है, चाहे फिर वो बेमौसमी सब्जी क्यों ना हो। आजकल ऐसा कोई इंग्रेडिएंट नहीं है, चाहे वो कितना ही एग्जॉटिक क्यों ना हो, जो कि इंडिया में अवेलेबल नहीं है। लेकिन ऐसी ऑप्शंस और ऐसी वैरायटी हमारी नानी माँ और दादी माँ के पास कहाँ थी। शायद इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट करने में और सीजनल सब्जियों को यूज करने में इतनी माहिर थी। आज भी उनकी रेसिपीज याद करते हैं तो बस मुंह में पानी ही आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान को ले लीजिए, इतनी बंजर जगह पर बेसन से गट्टा करी और मिर्ची के पकौड़े बनाए जाते हैं, अमेजिंग। तो चलिए आज अपने इस एपिसोड में ऐसी ही कुछ रेसिपीज बनाते हैं जो आपको आपकी नानी माँ की रसोई की याद दिला देंगे। शुरुआत करते हैं पापड़ की सब्जी से, और इसके लिए हमें चाहिए भुने हुए पापड़, दही, हल्दी पाउडर, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, देसी घी, बारीक कटा हुआ अदरक, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, नमक, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और गरम मसाला पाउडर। हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा पानी है और नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल में इसकी कुकिंग होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लेते हैं कढ़ाई और उसकी फ्लेम ऑन कर देते हैं। इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा देसी घी, करीब एक चम्मच। हम यहाँ पर जो पापड़ यूज कर रहे हैं वो नॉर्मल पापड़ है। अगर आप चाहें तो मसाला पापड़ यूज कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसे फ्राई भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर इन्हें भून रखा है, थोड़ी देर में हम इसके टुकड़े ही कर देंगे। तो घी एकदम गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं आधा चम्मच जीरा। तो जैसे ही जीरा क्रैकल होने लग जाए, इसमें डाल देते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, ये भी आधा चम्मच, थोड़ी सी चॉप्ड अदरक, थोड़ी सी चॉप्ड ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्च। हरी मिर्च आप चाहें तो और मात्रा में डाल सकते हैं। अब इसमें डाल देते हैं मसाले। मसाले हम वही यूज करेंगे, ज्यादा टेस्ट से हम नहीं खेलेंगे। थोड़ी सी हल्दी, करीब आधा चम्मच, आधा चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर हम ज्यादा कलर के लिए यूज कर रहे हैं और तीखापन चाहिए तो आप इसमें हरी मिर्च और यूज कर सकते हैं। थोड़ी देर हम इसे इस तरह से भून लेते हैं सारे मसालों को, और अब इसमें डाल देते हैं दही। हमारे पास यहाँ पर एक कटोरी दही है, इसकी फ्लेम हम ऑफ कर देते हैं और इस दही को अच्छी तरह फेंट लेते हैं। अब हम इसमें डालते हैं एक कटोरी दही। अब इसकी हम फ्लेम ऑन कर देते हैं और बहुत ही धीमी आंच पर इसे पकाते हैं। ज्यादा तेज आंच पर नहीं पकाएंगे क्योंकि दही फट जाएगा। इसमें कर देते हैं अब सीजनिंग। तो हम डाल देते हैं इसमें थोड़ा सा नमक स्वादानुसार, और नमक अच्छी तरह मिला लेते हैं। जैसे ही दही थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें आप पानी डाल दें और उसके बाद आप निश्चिंत हो जाएंगे कि अब दही नहीं फटेगा, क्योंकि दही और पानी इसे स्टेबल कर देंगे। थोड़ा सा पानी, और देखिए इस तरह से अच्छी तरह से मिला लें, कितना बढ़िया कलर आ गया इसका। अब हम इसकी फ्लेम थोड़ी सी तेज कर देंगे और अब इसमें डाल देंगे पापड़। पापड़ के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे रफली, तो इतनी सब्जी के लिए आप इसमें चार पापड़ डाल सकते हैं। ये लीजिए, अब हम इसमें अच्छी तरह इसे सोक कर देते हैं। अब हम इसे ढकते हैं करीब 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जो पापड़ हमने डाला है उसमें अच्छा फ्लेवर आ जाए इस दही का। तो चलिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसका ढक्कन खोल लेते हैं, इसकी फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। क्योंकि ये बहुत ही फ्रेश फ्लेवर देता है इसे। अब अच्छी तरह से स्टर करके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप करना है हमें, अब हमें इसे सर्व कर देना है। तो चलिए ये बोल लाते हैं और इसमें से सर्व कर देते हैं। ये लीजिए, तैयार है हमारे पास बहुत ही इनोवेटिव लेकिन फिर भी बहुत सिंपल और स्वादिष्ट पापड़ की सब्जी। पापड़ की सब्जी बनाने के लिए आपको चाहिए देसी घी 1 बड़ा चम्मच, जीरा आधा छोटा चम्मच, पिसा अदरक लहसुन आधा छोटा चम्मच, कटा अदरक आधा छोटा चम्मच, कटी हरी मिर्च आधा छोटा चम्मच, हल्दी आधा छोटा चम्मच, दही 1 कटोरी, पिसा धनिया आधा छोटा चम्मच, कटा हरा धनिया 1 बड़ा चम्मच,
पिसी लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, पानी आधा कटोरी, भुने पापड़ चार। अब इसे बनाने की विधि नोट करें। एक कढ़ाई में घी गरम करें। अब इसमें जीरा, पिसा अदरक लहसुन डालें और भूनें। अदरक और हरी मिर्च डालें और भूनें। हल्दी, पिसा धनिया और लाल मिर्च डालकर अच्छी तरह मिलाएं। गैस बंद करके फिटी हुई दही डालें और मिलाएं। अब गैस ऑन करके नमक और पानी मिलाएं और पकाएं। आखिर में पापड़ और धनिया डालें और पकाएं। गार्निश करें हरे धनिया के साथ और सर्व करें।